तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए, ममता बनर्जी की सुनामी में राहुल गांधी बह जाएंगे, बादल देवनाथ ने घोषणा कर दी है। सुनामी में हमेशा नुकसान होता है, सुनामी में जान जाती है, सुनामी में जो है लोग परेशान होते हैं। तो ममता जी अगर लोगों को परेशान करना चाहती है मोदी जी की तरह, तो उनकी इच्छा है। मोदी जी और ममता जी की लैंग्वेज एक ही, सुनामी आ रहा है। मोदी जी का सुनामी, ममता जी का सुनामी। लेकिन दीपक जी, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला। सर, आई रिक्वेस्ट यू, ऐसे नहीं होता डिबेट। सर, ये दीपक शो, दीपक सर का शो है, देश का। एक एक करके बहुत टाइम है हमारे पास, ये कोई आपका टीएमसी का असेंबली नहीं है कि आप चिल्ला रहे हो। प्लीज मैं बोलने दीजिए, बहुत टाइम है सर। ये ममता जी का पर्सनल मीटिंग नहीं चल रहा कि वो चिल्लाए। आप सुन लीजिए सर, दीपक जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं अमेरिका का नागरिक नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ अमेरिका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैं डिल्यूजनल हूँ, मैं, मुझे बात समझ में नहीं आती। ममता जी, मैं ममता जी के बारे में ऐसी बात नहीं करूँगा, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। ममता जी यूपीए का हिस्सा ही नहीं है और वो कहती है यूपीए एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब अब समझ में ही नहीं आता है ये किस तरह की बात है। और जब कल ममता जी मुंबई में थी, और उनके लिए मैं ये दो लाइनें अर्ज करता हूँ, तेरी महफिल भी गए चाहने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गए चाहने वाले भी गए, आकर बैठे ही न थे कि निकाले भी गए। कल ममता जी मुंबई में थी, कांग्रेस का वो कह रही थी कि कांग्रेस समाप्त होगी, उसी वक्त सरदेसाई साहब ने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया। वही सरदेसाई साहब जिसके लिए ममता जी ने ट्वीट किया था कि हमारी पार्टी में आ चुके हैं वो। तो ममता जी को ये समझना चाहिए और गणित समझना चाहिए। अब से अब अपनी बात समाप्त करता हूँ कि 2024 में 160 ऐसी सीटें होगी जिसमें डायरेक्ट मुकाबला होगा कांग्रेस वर्सेज बीजेपी। ये 160 सीटें कहीं नहीं जा रही, इसमें कांग्रेस वर्सेज बीजेपी का मुकाबला हो रहा है। और जो 2024 में बीजेपी मुक्त सरकार बनेगी वो इस पर निर्भर करता है कि इन 160 सीटों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो बिना कांग्रेस 2024 में सरकार मुमकिन है ही नहीं।